देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा जिसके तहत 9 सालों से जो विकास का कार्य हुआ है, और विकास का कार्य का केंद्र समाज के सबसे हासिए और लोग जो उपेक्षित रहे हैं वे रहे हैं, उनसे जुड़ने का ये अवसर है। उनमें आत्मविश्वास भी पैदा होता है और उन्हें ये जानकारी भी मिलती है कि सरकार किन योजनाओं कार्यक्रमों के द्वारा उनके घर तक पहुँच रही है। दूसरा उद्देश्य यह है कि अब तक श्री कृष्ण सिंह ने इस देश से जमींदारी समाप्त कर दी थी, लेकिन नेहरू जी ने एक राजनीतिक जमींदारी शुरू कर दी थी। लाल बत्ती की गाड़ी, जनप्रतिनिधियों का दिल्ली पटना में आराम करना और जनता से संवाद सिर्फ चुनाव के वक्त करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की है कि सामान्य कार्यकर्ता के तहत रहकर उनके बीच जाकर उनका सहयोग लेकर जनता के साथ निरंतर संवाद करना, वही विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक दूसरा उद्देश्य है। देखिए, यह भारत ही नहीं, भारत की सभ्यता का एक ऐसा दिन है और आने वाले समय में यह देश 2 दिवाली मनाएगा। 1 दिवाली भगवान राम का वनवास से आगमन, दूसरा दिवाली भगवान राम के अस्तित्व मिटाने की जो आक्रमणकारियों ने प्रयास किया था उस प्रयास को विफल करके भगवान राम के मंदिर का निर्माण करना। जो लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं, वस्तुतः वह भारत की संस्कृति, भारत की विरासत, भारत के इतिहास से अपने आप को अलग कर रहे हैं। यह 140 करोड़ जनता का वह उद्गार है, वह प्रतिबिंब है जो पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि भारत अपनी आस्था के प्रति मजबूती के साथ बना हुआ है, और वह दिन बीत गया जब कोई दूसरी ताकत आकर हमारी आस्था पर प्रहार करे। यह कटिहार जिला के लिए अति ही सौभाग्य का विषय है। हमारे यहाँ लगातार 1.5 महीने से विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रहा है, और इसी संकल्प यात्रा के तहत आज हमारा कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत फालका में कार्यक्रम है। 3-3 पंचायतों में कार्यक्रम है और केंद्रीय योजना से इसी निमित्त आदरणीय राकेश जी आए हैं। हम राकेश जी के लिए इतना ही कह सकते हैं कि हम लोगों के लिए सरस्वती पुत्र हैं, और कटिहार में ऐसे सरस्वती पुत्र का आगमन हुआ है। हम कुर्सेला की धरती पर इनका बहुत स्वागत करते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल जो बात कही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अपनी मेहनत से ये डलिया बनाती हैं, लोग खरीद कर ले जाते हैं त्योहारों में भी, अन्य समय में भी। और मुझे लगता है ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है इस डलिया का उपयोग करना, और मुझे लगता है कि स्थानीय लोगों को इस डलिया को और भी प्रमोट करना चाहिए, और इस तरह के जो कारीगर हैं उनका एक स्थानीय मेला आयोजित करना चाहिए जिसमें तरह तरह के नई विधा के साथ इसका उपयोग कर सके। विश्वकर्मा योजना में भी इन लोगों को लाभ मिलेगा जो प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है, और हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनसे मिलेंगे और विश्वकर्मा योजना में इन्हें किस प्रकार से इनको लाभान्वित किया जाए जिससे इनका रोजगार समृद्ध हो सके। नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? उमा देवी जी। ये डाली कितनी देर में बना लेती हैं? आधा घंटे में बना लेती है पूरा। और एक डाली कितने में? आगे में आइएगा, ये जो थोड़ा पीछे होकर लीजिए। आपको अपना कितना लग जाता है? 2 बैठक करते हैं। और सर, एक विश्वकर्मा योजना शुरू हुआ है, आपको अभी तक किसी बताए? हम लोग को यहाँ शुरू कुछ नहीं। देख, विश्वकर्मा योजना, आपका आधार कार्ड बना हुआ है? देख, विश्वकर्मा योजना शुरू हुआ है। उस विश्वकर्मा योजना में आपको अपने काम के लिए सरकार से मदद मिलेगी, तो पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आएंगे, अधिकारी भी आएंगे, मैं यहाँ सुनिश्चित करूँगा वो आएंगे और आपसे मिलेंगे, और आप लोग जितने लोग काम कर रहे हैं उनको लाभ मिलेगा। जी जी, ठीक है उमा जी। ये आप लोग घर वाले पहले भी करते थे? हाँ। और कितनी देर में एक दलिया बना लेती हैं? 2 घंटे में बना लेती हैं। दिन भर में कितना दलिया बना लेती हैं? 5 दलिया बना लेती हैं। कितने में बिकता है? 150 में बिकता है।
एक विश्वकर्मा योजना शुरू हुआ है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी को जानते हैं? मोदी जी का नाम सुने हैं ना? मोदी जी ने आप लोगों के लिए जो छोटे छोटे कारीगर हैं, जो डलिया बनाते हैं, जो लोहार हैं, छोटा छोटा जो काम करते हैं, उसके लिए एक योजना शुरू की है, जिससे आप लोगों को कुछ आर्थिक मदद मिल पाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मदद हमारे कार्यकर्ता बोलो बोलते हैं जिंदाबाद, माननीय सांसद जिंदाबाद, माननीय सांसद।